बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक नई रेसिपी के साथ मैं जो हूँ आपसे मिली हूँ आके। तो चले जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ऑनियन ऐड कर रही लहसुन अदरक, इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। इसमें मसाले ऐड करूंगी मैं। दिखाई कुटी लाल मिर्ची, पिसा हुआ धनिया पाउडर, साबुत भी आप लोग ले सकते हैं। हल्दी पाउडर, सॉल्ट, साबुत गरम मसाला, सिनेमा मिस्टेक दालचीनी, मैंने कुटी मिर्चें ऐड की हैं। तो मैं लाल मिर्ची पाउडर कम ऐड करूंगी, क्योंकि ज़्यादा मिर्चें हर कोई अपने हिसाब से मिर्चें ऐड करता है। और अब मैं इसको जो हूँ आधे घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसको मैं जो हूँ कुकर में मैंने पाए जो है वो गलने के लिए रख दी है। कड़ी पत्ता, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और कुकर बंद करके फिर मैं आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ। आधे घंटे तक मैं आपसे मिलती हूँ, जब तक ये हो जाए तो फिर मैं उसके बाद बताती हूँ क्या करें। अब ये देखें, जो मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची और लहसुन अदरक जो डाला था वो मैंने इसमें उसके बाद कुकर का ढक्कन हटाया और ये मैं अब ऐड कर रही हूँ टमाटर। और उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी ऑयल, साथ ही ऑयल ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी। और जैसे ही ये अपना पानी जैसे ही ये छोड़ देगा थोड़ा, तो मैं भून के और इसको उतार लूँगी। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी।
ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका। और अब बस फाइनली इसको मैं अब जो है वो उतारने वाली हूँ और फिर डिश आउट करूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको जो है वो करते हैं। बस थोड़े से इसमें टमाटर गल जाएँ और अपना पानी थोड़ा सा टमाटर छोड़ दें। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया है प्रोसेस, और ये जो है बिल्कुल गल चुके हैं। हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है, अब मैं इसको डिश आउट कर। देखें आज एक और बाइट मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ पोटैटो नान का, और उनसे ओपिनियन लेते हैं कि कैसा बना है। वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हड्डी वगैरह ये बोटियाँ जो लगी होती हैं वो खुद खा लेंगे, सिर्फ हम टेस्ट करवा रहे हैं। ज़बरदस्त माशा माशाल्लाह नंबर वन। देखिए जी इसका फाइनल लुक, और इसके साथ नान है 3 डिफरेंट किस्म के, ज़ातर, जबल और पोटैटो। तो आज मैंने डिफरेंट 3 टाइप ऑफ नान मंगाए थे, आप इसके साथ फाइन एंजॉय करें और बताएं कि कैसे बने। इंशाल्लाह इतना ही रेसिपी के साथ आपको मिलूंगी। ओके अल्लाह।